एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए कुख्यात डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने रविवार को अपनी टिप्पणी से एक और विवाद खड़ा कर दिया। अगर कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बना तो 20 साल में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे। हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए नरसिंहानंद ने हिंदुओं को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। हालांकि दिल्ली प्रशासन ने इस आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। महापंचायत का आयोजन यहां बुराड़ी मैदान में उसी समूह द्वारा किया गया था जिसने पूर्व में हरिद्वार में और राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर इसी तरह के विवादास्पद कार्यक्रम आयोजित किए थे जहाँ मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे। इतवार के कार्यक्रम में कई अन्य हिंदू नेता भी शामिल हुए। नरसिंहानंद हरिद्वार में अभद्र भाषा से जुड़े मामले में जमानत पर है। नरसिंहानंद ने कहा केवल 2029 में या 2034 में या 2039 में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा तो 50% हिंदू धर्मांतरित हो जाएंगे, 40% मारे जाएंगे और बाकी 10% या तो शरणार्थी शिविरों में रहेंगे या अगले 20 वर्षों में अन्य देशों में होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे महापंचायत के एक वीडियो में नरसिंहानंद यह कहता हुआ नजर आया, यही हिंदुओं का भविष्य होगा। यदि आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो आदमी बने और हथियार उठाएं। इस कार्यक्रम को कवर करने गए दिल्ली के कुछ पत्रकारों के साथ वहां कथित तौर पर बदसलूकी की गई। हालांकि पुलिस ने इस दावे से इनकार किया कि उन्हें हिरासत में लिया गया। एक पत्रकार द्वारा किए गए ट्वीट को साझा करते हुए पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने ट्विटर पर कहा, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। पत्रकार के ट्वीट में आरोप लगाया गया कि महापंचायत में हिंदुओं की भीड़ द्वारा दो मुस्लिम मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। रंगनानी ने ट्वीट में कहा कि कुछ पत्रकार अपनी मर्जी से भीड़ से बचने के लिए जो उनकी उपस्थिति से भड़क रही थी कार्यक्रम स्थल पर तैनात PCR वैन में बैठ गए और सुरक्षा कारणों से थाने जाने का विकल्प चुना। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।